Hello students, let us understand the following question. In this question, the question says, check whether the system of equations is inconsistent and equations are 4x plus y equal to 23 and 8x plus 2y equal to 10. ठीक है, हमें चेक करके बताना है. तो देखिए, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वेशंस आर गिवन 4x प्लस y इक्वल टू 23 एंड 8x प्लस 2y इक्वल टू 10. नाउ लेट्स मूव ऑन सॉल्यूशन पार्ट. इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशंस हमारी क्या है, 4x प्लस y, इसको हम ले सकते हैं माइनस 23 इक्वल टू 0 के. हमने लेफ्ट साइड ले आए 23 को. एंड सिमिलरली 8x प्लस 2y, इसको हम ले सकते हैं माइनस 10 इक्वल टू 0. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. नाउ अब हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, कंपेयर विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से. सो कंपेयर कीजिए इक्वेशन 1 से. देखिए, वी विल गेट a1 इक्वल टू 4 एंड b1 इक्वल टू 1 एंड c1 इक्वल टू माइनस 23. सिमिलरली इक्वेशन 2 से देखिए, a2 हमारा कितना आ जाएगा, 8 एंड b2 इक्वल टू 2 एंड c2 इक्वल टू माइनस 10. ठीक है, नाउ अब देखिए, अगर मैं a1 अपॉन a2 की बात करूं, ये कितना आ रहा है हमारा, 4 अपॉन 8, दैट इज 4 टू जा, यानी कि 1 अपॉन 8 आएगा. और अगर b1 अपॉन b2 की मैं बात कर रहा हूं तो ये आएगा 1 अपॉन 2. ठीक है, ये भी हमारा कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है. एंड अगर c1 अपॉन c2 मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ये कितना आ रहा है, माइनस 23 अपॉन माइनस 10, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल एंड इक्वल टू 23 अपॉन 10. सो देखिए, यहाँ पे वी नो दैट हमने जो a1 अपॉन a2 निकाला है, ये इक्वल है किसके, b1 अपॉन b2 के, एंड नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के. ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इज सेट टू बी इनकंसिस्टेंट. ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है, कि इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट होगी. देयरफॉर द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. ठीक है, हमने चेक कर लिया कि ये दोनों जो इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट होंगी. सो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जो हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. हेंस वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.